एप्पल स्टोर दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्टोर माने जाते हैं। सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल की वजह से ऐसा माना जाता है। पर चोरी करने वाले तो इतने शातिर होते हैं कि वो पता नहीं कैसे इन सब का तोड़ निकाल कर घुस जाते हैं और हाथ साफ करके चले जाते हैं। ये घटना अमेरिका के सिएटल की है। पुलिस भी चोरी के इस तरीके से काफी हैरान है, क्योंकि दुनिया के कई देशों के एटीएम में भी इतनी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते जितने एक एप्पल स्टोर में होते हैं। हर वक्त करोड़ों का माल रखा रहता है। चोरों ने लगभग 5 करोड़ रुपए के एप्पल प्रोडक्ट चुरा लिए, जिनमें लेटेस्ट आईफोन, आईपैड और वॉचेस भी शामिल हैं। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया बगल वाली कॉफी शॉप का। सबसे पहले चोर रात के अंधेरे में कॉफी शॉप का लॉक तोड़कर उसमें घुसे, फिर बाथरूम से सुरंग बनाकर एप्पल स्टोर में दाखिल हुए। कॉफी शॉप के मालिक माइक का कहना है कि चोरी हुई एप्पल के यहाँ परिसे हम भी कर्जदार हो गए, क्योंकि हमें अपने ताले बदलवाने पड़े जिसमें लगे $900 और बाथरूम को ठीक कराने में लग गए $600। जबकि कुछ लोग वेब सीरीज मनी हीस्ट को जिम्मेवार मानते हैं, जिसकी तर्ज पर अमेरिका में एप्पल स्टोर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। अब माइक चाहते हैं कि एप्पल उन्हें इस पैसे का भुगतान करे। क्या एप्पल माइक की कॉफी शॉप में हुए नुकसान के लिए जिम्मेवार है? क्या उसे माइक को पैसे देने चाहिए या नहीं? या नुकसान की भरपाई का कोई और तरीका है आपके दिमाग में? कमेंट में जरूर बताना।